आज बन रहे हैं आलू और प्याज के पराठे। यहाँ बन रही है चाय, मेरा पराठा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह के बज गए हैं 10:30। अब हम कर रहे हैं नाश्ता। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। अब देखना मेरे नाश्ते में क्या है। आज नाश्ते में है आलू का पराठा, चाय और दही। तो गाइज हम दोनों कर रहे हैं नाश्ता, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो गाइज मैं जा रही हूँ प्रिंसी के स्कूल में, प्रिंसी को लेने। और फिर प्रिंसी को लेके उसकी मम्मी और मैं हम जा रहे हैं आज दीदी के घर पे। चलो दिखाती हूँ आज आपको दीदी के घर पे। तो गाइज ये जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, तो हम प्रिंसी को भी साथ में लेके जा रहे हैं। रास्ते में ही पता नहीं चीज अब बाद में दिलाऊंगी तेरे को। अभी हम वहाँ जा रहे हैं ना बुआ के घर पे, तो वहाँ के लिए दिलाऊंगी चीज तेरे को। ये भी ले आ। तो गाइज आ गई प्रिंसी अपने घर के पास और ये जा रहे हैं ऑफिस। तो मेरे पास हैं पैसे, मैं दे दूंगी उसको चीज। तो कौन लेने आएगी? मम्मी कौन लेने आएगी? मैं लेने आऊँ ना, अच्छा लग रहा है। देखना गाइस सिवाय वहाँ पे बैठ रखा है और रोंदड़ू बन रखा है। रोंदड़ू रो रहा है। तू रो रहा था ना अभी? ओ ये देखना गाइस मेरे और प्रिंसी के शूज सेम है ना प्रिंसी? ऊपर देख के बता। ये देखना गाइस प्रिंसी हो गई तैयार जाने के लिए। ये देखना गाइस प्रिंसी चल रही है आगे आगे। तीनों माँ बेटे, चार माँ बेटे हैं ये। देखना गाइस प्रिंसी ने ले ली चीज। दिखाइए। तो गाइस हम पहुंच गए हैं दीदी के घर पे। यही है ना ऊपर? अभी कंफ्यूजन माचो ना, भूल गई थी ऊपर से ऊपर। आज तो हम सब आ गए। नमस्ते। गेट बजून हम दबला है। हम आ गए हैं दीदी के घर पे। दीदी ने बना दी चाय, ये देखना चाय पी रहे हैं। देखना गाइस आज फिर हो गई प्रिंसी और शिवाय की नोक झोक चीज के लिए। ये देखना शिवाय कितना बिगड़ रखा है उसकी टॉफी के लिए। झूठ नहीं बोलते? नहीं। क्या होता है झूठ बोलने से? फिर हम बाहर नहीं कहते। वीडियो में देख के बताना क्या होता है झूठ बोलने से। बाहर नहीं कहते थे। क्या नहीं होता है? बाल कट्टा हो जाती है फिर। हाँ। अच्छा बात नहीं करते फिर। हाँ। और बता फिर। चाहे
तो गाइज हम कर रहे हैं लंच। दीदी ने बना रखे हैं दाल चावल और ये रहा आलू, ये बना रखी है सब्जी आलू और क्या क्या है प्रिंसी देख रही है क्या क्या है करके आलू और गोभी गोभी नहीं है। ये देखना ये रहा प्रिंसी का खाना और ये रहा शिवाय का खाना और ये था हम लोगों का। हम लोग तो गाइस करते हैं लंच। तो ये रही चटनी कम करो दीदी खा रही है कढ़ाई में। दादी खिला रही है उसको खाना। मम्मी का नाम क्यों ले रही है? उसको क्रेडिट दे रही है मम्मी को। दादी चिराग दादी है। तो गाइस हम खाना खा के फिर छत में आ गए। अब छत में हो गई हल्की धूप हवा भी हो गई आज। बोल तो भी कुछ ना गाइस। यहाँ पे कबूतर चारा खाने के लिए आ रखे हैं। बोलना बोलना देखना गाइज फिर ला गए दीदी फ्रूट काट के। गाइज छत में हो गई धूप हल्की। अब हम जा रहे हैं नीचे। अब नीचे जाके चाय बनाएंगे चाय पियेंगे। दीदी फिर से झाड़ू लगाने लग गए। तो गाइज हम निकल गए हैं घर के लिए। देखना प्रिंसी बात तो कर मुझे देखना देख यार। ये रही पिंची ने अब टोपा पहन गया। टोपा कौन सा टोपा है पिंची? ये देखना पिंची ने टोपा पहन लिया डॉल वाला टोपा ये। देखना गाइस कैसे भाग रही है आगे 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 भाग रही है उसके पीछे पीछे में। मोटरसाइकिल से भी ज्यादा तेज भागती है। देखना 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 मोटरसाइकिल से भी ज्यादा तेज भागने वाली रफ्तार में। देखो देखना गाइस यहाँ शादी हो रही होगी। गाइस हम पहुंच गए हैं घर के पास। तो गाइस हम आ गए घर पे। शगुन बना रही है अपने लिए मैक्रोनी। मैक्रोनी बना तो रही है ना। तो छुपके छुप। तो गाइस शगुन ने बना रखी है मैक्रोनी अभी। नहीं फिर से नहीं आज तो पहली बार बना रखी है ना। कल बनाई थी वो तो। ये लोग खा रहे हैं अब मैक्रोनी। इसको कांटे वाली चम्मच क्यों नहीं दी? इससे खा पाएगी ये? वो भी इतनी बड़ी चम्मच से। राज के लिए भी लिया कांटे वाली चम्मच। प्रिंसी के लिए कांटे वाली चम्मच। देखना गाइस प्रिंसी खा रही है। क्या खा रही है प्रिंसी? क्या है? दाला भी था। मैक्रोनी खा रही है ये। इधर भी लेके आ। कैसी लगी तेरे को मैक्रोनी? ऐसे तो देखना गाइस प्रिंसी का मन नहीं कर रहा अपने घर जाने का। ऐसे चिपक गई है शगुन पे। कल मैं आऊंगी ना तेरे को स्कूल में लेने। फिर मैं अपने घर को ले आऊंगी तेरे को। नहीं फिर यहीं से जाएगी। हमारे घर से ही जाएगी स्कूल। हमारे घर से जाएगी स्कूल। अच्छा बच्चे जिद करते हैं। बहुत गंदी है ना।
भागा बने। फोन लेके क्यों जा रही है? तो तेरे को स्कूल से लेने कल कौन आएगा? मैं आ जाऊंगी। है प्रिंसेस? दादी। बंक मार के। कौन आएगा बता? दादी। मैं आऊंगी। तो गाइस फाइनली चले गई है। मानी नहीं रही थी शगुन को लेके ही, मानी अब शगुन जा रही है गली के बाहर तक छोड़ने। बाय। तो गाइस देखना मैं बना रही हूँ सरसों का साग, मक्के की रोटी। ये देखना सरसों का साग मैंने मिक्स साग काट के इसमें सीटी लगा ली कुकर में बारीक काट के। और देखना ये भारी भारी अदरक काट रखा है मैंने, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है और यहाँ तेल रखा है मैंने। और ये सूखी मिर्ची पहले ये भून लूंगी मैं। अभी डालूंगी थोड़ा इसमें जीरा और डालूंगी अदरक। डाल इसको तब तक घोट लूंगी मैं। तो गाइस इसमें टमाटर डाल दिया है, नमक, धनिया पाउडर मैं पहले भी डाल चुके हैं इसमें। और ये इसकी अच्छी तो गाइस देखना ये है मसाला, ऐसा हल्दी मसाला ये इसमें तेल छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने साग भी घोट लिया है। अब मैं इसमें देखना गाइस तेरा मक्के का आटा और ये इसको बनाऊंगी अभी मैं। तो गाइस देखना ऐसे बन चुका है मेरा साग। अब मैं इसमें ऐड करूंगी घी। ये देखना जो उस दिन बनाया था मैंने घी, मैंने इसमें वीडियो बना रखी थी आपने देखी होगी, तो वाला घी है। अब इसको ऐड करूंगी मैं इसमें। देखना गाइज आज मैंने तीन प्रकार का आटा लगा रखा है। ये रहा हमारे वहाँ का मटवे का आटा जिसे कोदे का आटा भी कहते हैं, और ये वैसे गेहूं का आटा, और ये देखना ये रहा मक्के का आटा। इसमें पानी लगाते रहूंगी जब बनाऊंगी मैं। देखना गाइज ये रहा तवा, इस तवे में बनाऊंगी मैं। चला दी मैंने गैस और घी, घी में बनाऊंगी। मक्के की रोटी खाने के लिए तैयार हो तुम? हम दोनों साथ मैंने बनाई नहीं कभी,
आज मैं पहली बार बना रही हूँ, मैं छोटी छोटी बनाऊंगी इनको। फोन चला रही है वो, आप ये मत बोल देना, वो फोन पर लगी पड़ी है, मैं दोस्तों से बात कर रही है। तो गाइस देखना, ये रहा आज डिनर में मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी का गिलास। चल तो गाइस हमारा रात का खाना हो चुका है, और आप लोगों को मेरा सरसों का साग मक्के की रोटी बनाने का स्टाइल कैसा लगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस अगर मैं आप वीडियो को करती हूँ एंड, आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो कल फिर लौटूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।